मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए, औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं आपको फूल का हार पहनाऊंगा। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। स्पीकर सर, सर अगर आप जवाब देखेंगे मंत्री जी का, तो पीएमएवाई में उन्होंने कहा है कि 78.27 लाख आर कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड टू द बेनिफिशरीज। फिर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में 11,224,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए, औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं आपको फूल का हार पहनाऊंगा। दूसरी बात यह है सर, आप ये देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को एलोकेशन है 2021 और 26 में 3,758.50 करोड़। आपके 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं उसके, और आपने सिर्फ 480 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे ही आप ये देख लीजिए, अमृत में महाराष्ट्र में आपने कमिट किया 3,534 करोड़, और इस साल 2023-24 में क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में आपने जितने 78.27 लाख आर कंप्लीटेड कह रहे हैं, आप एक घर औरंगाबाद में नहीं बना, और आप अमृत में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेसिफिकली कह रहा हूं आपको ना कि कितने वहां पर सुरेश लाइन हुए, कितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्री सर, आप मुझे लगता है दी ऑनरेबल मेंबर को बैठ के स्टेटिस्टिक्स पढ़ने की थोड़ी सी हमें बातचीत करनी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहरी क्षेत्र में हम आए अर्बन में टोटल सैंक्शन हुए हैं 1,19,00,000, और इसमें 1,09,00,000 ग्राउंड हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 78 लाख तो टोटल है, वो सारा औरंगाबाद में है। 78 लाख तो कंट्री का फिगर है। सर, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। ये आंकड़े मैं दिन रात देखता हूं। टोटल सैंक्शनड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फिगर है 1,19,00,000, जिसमें ग्राउंड हुए हैं उसमें 1,09,00,000, जिसमें लाभार्थियों को दिए गए हैं 78 लाख, 78 लाख। और अभी मैं बताता हूं, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में 30 मार्च 2022 को सीएमसी में घर 49,000 घर सैंक्शन हुए हैं, पीएमएवाई के सीएलएसएस वर्टिकल में है। होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट शुरू में आती है और वो हमसे सैंक्शन मांगती है अपनी डिमांड असेसमेंट पे, उसके बाद उनसे काम होता नहीं है, फिर उसको वो कन्वर्ट करना चाहती हैं। और कुछ समय में महाराष्ट्र में ये समस्या थी कि जो महाराष्ट्र में उनको सैंक्शन उन्होंने खुद मांगी थी उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने पाए। अब टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, उसमें केंद्र सरकार तो उसमें अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकार को जमीन देनी होती है, राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना होता है। कई राज्य सरकारें डिमांड करती हैं और उसका नहीं कर पाती, फिर हमारे पास आती है, जब हम कहते हैं इसको कैंसिल कर देंगे, वो कहेंगे नहीं एएचपी नहीं, एएचपी से इसको सीएलएसएस में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और बैंक के बीच में होता है। तो ये जवाब, अगर आपको आंकड़े समझ नहीं आए, आप मेरे साथ आराम से बैठिए, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ाना भी हम आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। श्रीमती भावना गविल, धन्यवाद।